हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 1.4 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यह एक पोएम है, कविता है, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, ये चित्र देखने के बाद आपको क्या अनुभव हो रहा है? सबसे पहली बात, सनराइज हो रहा है, ओके, मॉर्निंग का ये जो सीन है। और ये बच्चे देखिए आप, ये बच्चे एक यूनिफॉर्म में हैं और इनके पास उनका बैग भी है, तो इससे जाहिर है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, राइट। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, यह ट्रांसलेटेड किया गया है, अनुवाद किया गया कहाँ से, एक पोएम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस हिंदी पोएम से ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। और यह पोएम किसके द्वारा रचा गया? इट इज़ कंपोज बाय निदा फाजली। निदा फाजली का फुल नेम है मुक्तिदा हसन निदा फाजली, नोन एज निदा फाजली। हमारे इंडिया में उनको निदा फाजली के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन हिंदी एंड उर्दू पोएट। निदा फाजली हमारे इंडिया के एक हिंदी और उर्दू के बहुत ही अच्छे पोएट थे। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2013 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। उनके साहित्यों के लिए उनको एक अवार्ड दिया गया, पद्मश्री, कब? 2013 में। किसके द्वारा दिया जाता है पद्मश्री? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, उनका जन्म अगर हम देखते हैं तो 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में उनका बर्थ हुआ था। और उनके देहांत के बारे में हमें पता चला है कि 8 फ़रवरी 2016 मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। बहुत ही अच्छे पोएट थे, उनको निदा फाजली के नाम से जाना जाता है, मुक्तिदा हसन निदा फाजली। तो आइए आज हम देखेंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इस पोएम के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? स्कूल जा रहे हैं। यह इस पोएम का शीर्षक है, टाइटल है, द टाइटल ऑफ दिस पोएम, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड्स, आप स्कूल जाते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है, हम इस पोएम में देखेंगे। यह जो पोएम है इमेजिनेशन पर डिपेंड है, एक कल्पना पोएट के द्वारा किया गया है। लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। जब सवेरा होता है, आपको भी पता है कि चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ओवर द अर्थ, पूरे धरती पर। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ। वंस अगेन द स्काई बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब यहां देखिए, यू नो मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव। मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सन राइज एंड क्रिएट द ब्यूटीफुल सीन इन द एटमोसफियर एंड सनसेट इन द इवनिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सूर्योदय होता है, अस्त भी हो जाता है, ये डेली रूटीन है। लेकिन यहाँ पोएट का यह कहना है, पोएट सेज दैट स्काई गिव रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू पोएट कहते हैं कि जो स्काई होता है, जैसे मॉर्निंग होती है, जैसे सुबह होता है, तो जो आकाश होता है अपने सिर को झुका देता है, किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वंस अगेन द स्काई bows his head in respect for children are going to school. The sun
आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ते तो ऐसा लगता है कि सन रोज सुबह नदी में नहाकर निकलते नदी से, राइट फ्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मॉर्निंग में किसी लेक से आप देखते सनराइज के समय, जब सूर्योदय होता है उस समय नदी में आप नज़ारा देखिए, तो ऐसा लगता है कि सन नदी में से नहाकर निकल रहा है, राइट। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स एंड स्माइल ऑन वन साइड ऑफ द रोड फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सन वेट एंड स्माइल्स फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू पोएट एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, आप डेली का रूटीन है कि सन राइज होता है, लेकिन पोएट यहाँ कहते हैं कि सन क्यों राइज होता है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सन वेट्स, सन इंतजार करता है, सूर्य इंतजार करता है और मुस्कुराता है, स्माइल्स फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों के लिए सूर्य इंतजार करता है, मुस्कुराता है और रोड के एक साइड में खड़ा होकर स्माइल देता है उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सन ऑलवेज वेट्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सन बाथ इन द रिवर, यूज गोल्डन मसलिन टर्बन एंड वेट्स फॉर चिल्ड्रन। इस तरह से पोएट या इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं कि सन राइज होता है उन बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया गोल्डन मसलिन टर्बन, सुनहरी मलमल की पगड़ी सन बांध लेते हैं, नदी में स्नान करते हैं और सड़क के किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। थ्रो द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस, थ्रो द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस, ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑन ब्लेसिंग्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज, एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप फ्लाइज वेयर्स हिज हैंड्स फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ब्रिजेस सिंग देयर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग्स, रोड्स आर स्लीपिंग बट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन दीज रोड्स फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। हवाएं सर सब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रहे हैं, महकते फूलों की लोरिया सोते रास्तों को जगा रही है। द पीपल ट्री इज शेकिंग इट्स ब्रांचेस इन लीव्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द लेन फॉर ओनली चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। यहां देखिए पोएट कहते हैं जो हरी हरी डालियां हैं, जो फूल महकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सॉन्ग सिंगिंग कर रहे हैं, ब्लेसिंग के सॉन्ग गा रहे हैं। जो महकते फूल हैं वो सोतवे रोड को जगा रहे हैं, किसके लिए, केवल उन बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं। पीपल का पेड़ अपने पत्तियों को हिला रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों को से टाटा बाय बाय करते हैं, जैसा विदा करते हैं स्कूल के लिए,
इस तरह से वो अपने ब्रांचेस लीव्स को पीपल ट्री शेकिंग कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। इस तरह से पोएट कहते हैं कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, उन बच्चों के लिए हो रहा है जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। एक गली के कोने में खड़ा रहता है पीपल का पेड़, बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ हिला रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एंजल्स ऑफ द लाइट, एंजल्स ऑफ लाइट हाउ सेट आउट, एंजल्स ऑफ लाइट हाउ सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम एट दिस आवर, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। देर आर एंजल्स ऑफ लाइट, दे आर स्प्रेडिंग द लाइट ऑन एवरी रोड, एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम एट दिस आवर। जिस समय ये जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उस समय ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू पोएट एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, एंजल्स ऑफ लाइट स्प्रेडिंग द लाइट ऑन एवरी रोड फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। जो फरिश्ते होते हैं, जो स्वर्गदूत होते हैं, कवि कहते हैं कि जिस समय बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय उन रास्तों पर प्रकाश डालने का काम करते हैं एंजल्स, उनको रास्ता दिखाते हैं, प्रकाशित कर देते हैं उस घड़ी को जिस घड़ी ये बच्चे स्कूल जाते होते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, एवरीथिंग एंड पार्टिकल्स ऑफ दिस अर्थ पल्सेट लाइक मदर्स हार्ट बीट फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। जमी का है हर एक जर्रा माँ के दिल से धड़क रहा है, किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। टाइम समय, सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, समय एक पुरानी छत पर बैठा हुआ है ऐसा इमेजिन कर रहे हैं पोएट, और वो समय फ्लाइज कर रहा है पिजन को, कबूतरों को उड़ा रहा है। पुरानी एक छत पर समय बैठा हुआ है और कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो निदा फाजली इस पोएम के द्वारा कहते हैं। वो बच्चे जा रहे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। यदि स्कूल नहीं जाते शायद दिन नहीं निकलता, यदि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो शायद इसका उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। दिस पोएम इज डेडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन ओनली हु आर गोइंग टू स्कूल। पोएट सेज दैट नेचर, सन, मॉर्निंग, रिवर, रोड्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग गिव रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सन राइजेस ओनली फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल। पोएट के अकॉर्डिंग जो भी इस प्रकृति में बदल होता है, जिस समय बच्चे स्कूल जाते होते हैं उस समय यह केवल उन बच्चों के लिए घटना घटित होती है जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए ही। बहुत ही सुंदर पोएम है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पोएम समझी होगी। थैंक यू वेरी मच।